जाए उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। नमस्कार, घर परिवार के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्य की बदलती चाल, दान पुण्य और वो काटा वो मारा के शोर का त्योहार है मकर संक्रांति। कहते हैं मकर संक्रांति पर सूर्य अपनी चाल बदल देता है, वहीं हमारी संस्कृति में दान पुण्य का महत्व बताया गया है। साथ ही जब सर्दी की सुनहरी धूप में जब बच्चे पतंग पर अपना हाथ आजमा रहे होते हैं, तो बच्चे तो क्या बड़े भी अपना हाथ आजमाने से पीछे नहीं रहते। क्यों मनाया जाता है ये मकर संक्रांति का त्योहार और क्या महत्व है उत्तरायण होने का, चलिए बात करते हैं आज इसी विषय पर अपने मेहमानों से। मिलवाती हूँ आपको हमारे मेहमानों से। हमारी आज की पहली मेहमान है कुसुम वर्मा जी। नमस्कार कुसुम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कुसुम जी समाजशास्त्र की भूतपूर्व अध्यापिका तो हैं ही, साथ ही साथ आप गीत भी लिखती हैं। मिलवाती हूँ आपको हमारे दूसरे मेहमान श्रीमती विजय लक्ष्मी जी से। नमस्कार विजया जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विजया जी हिंदी की अध्यापिका हैं, साथ ही साथ आप एक साहित्यकार हैं, कवियत्री भी हैं, कविताएं लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं श्री कौशलेंद्र शरण शर्मा जी। नमस्कार आचार्य जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते भाई जी। कौशलेंद्र जी जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं, साथ ही आप शुक्ल यजुर्वेदाचार्य हैं। आप तीनों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि संक्रांति किसे कहते हैं? संक्रांति से तात्पर्य है कोई भी ग्रह जी अपनी राशि को छोड़कर के द्वितीय राशि में जब स्थानांतरण करता है या प्रवेश करता है, उसे संक्रांति काल कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। सूर्य का या किसी भी ग्रह का अपनी... किसी भी ग्रह का जी बिल्कुल, कोई भी ग्रह अपनी जिस राशि में वो उपस्थित है और वो द्वितीय राशि में प्रवेश करता है, जो उस राशि का प्रवेश काल होता है जिस राशि पर वो है और द्वितीय राशि में जिसमें प्रवेश कर रहा है, उसके बीच का जो समय है उसे प्रवेश काल को ही संक्रांति कहा जाता है। बिल्कुल, सूर्य की प्रवेश काल जो ग्रह बदलते हैं अपनी चाल, उसे हम कहते हैं संक्रांति। जी कुसुम जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, मकर संक्रांति को विशेष रूप से कहा जाता है कि उत्तरायण हो रहा है सूर्य जी, क्या है ये कंसेप्ट? पुराण मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण होकर अपने पुत्र शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस समय उस संक्रांति को मकर संक्रांति कहा जाता है जी। और यूं तो शनि और सूर्य का पिता पुत्र का कोई उनका संबंध इतना सौहार्दपूर्ण नहीं होता है, पर फिर भी इस दिन शनि की राशि मकर में जाने एक महीने के लिए सूर्य नारायण जो है उत्तरायण होकर वो शनि के घर जाते हैं, इसीलिए ये मकर संक्रांति का है पर्व माना जाता है। बिल्कुल, ये जो पौराणिक बात हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है कि सूर्य जो पिता है अपने पुत्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हम ये मकर संक्रांति मनाते हैं। लेकिन विजया जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तो हुई पुराणों की या पौराणिक कथा की बात, लेकिन हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और हर त्योहार को हम प्रकृति से जोड़ देते हैं, मकर संक्रांति को आप कैसे जोड़ेंगी? बिल्कुल सपना जी, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी ये बात कहना चाहती थी कि भारत में हर दिन एक उत्सव एक त्योहार है, और हमारे सबसे बड़ी हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमने प्रकृति को अपने साथ कहीं ना कहीं जोड़ रखा है। और अगर हम बात करें विशेष इस मकर संक्रांति त्योहार की या पर्व की, तो खासकर सूर्य के साथ ये इसका जो संबंध है वो दिखाई देता है, और स्वास्थ्यवर्धक जो खाद्य पदार्थ है वो खाए जाते हैं जिनमें तिल है, गुड़ है, तो ये सब चीजें स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं, और बच्चे आजकल जंक फूड वगैरह की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हैं, तो इस दृष्टि से भी हम बच्चों को तिल और गुड़ खाने को देते हैं, तो ये एक प्रकृति के साथ उनका जुड़ना हो गया। और दूसरा, जब वो पतंग उड़ाने के लिए छत पर काफी देर तक रहते हैं तो धूप में और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहते हैं, तो इससे भी उनको फायदा होता है। तो काफी सारी चीजें हैं, और बच्चों में, बड़ों में,
एक उल्लास रहता है, सब लोग मिलते हैं आपस में, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में अगर ये त्योहार ना हो तो शायद हम अपने परिवार के सदस्यों का चेहरा भी ना देख पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरा ये होता है कि भाई आपस में सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे से उत्सव मनाते हैं, तो हर दिन एक त्योहार के रूप में हमारी संस्कृति में देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, परिवारों को जोड़ने के लिए ये जो त्योहार हैं ये उत्साह और उमंग तो लाते हैं और परिवारों के सदस्यों को, परिवार के सभी सदस्यों को आपस में जोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है हमारे त्योहारों की। आचार्य जी, आपने अभी हमें जैसा बताया कि संक्रांति काल, और जैसा कि अभी मैम ने भी बताया कि उत्तरायण दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, ग्रहों की दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, या मैं कहूँ विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, वैसे तो गृहाणाम अधिपति ही भास्कर, जो ग्रहों के राजा हैं वो भगवान भुवन भास्कर हैं जी। संक्रांति के दिन क्या होता है, मकर संक्रांति, जब सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो भगवान भुवन भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ हो जाते हैं अग्रसर जी। और इस काल में क्या होता है कि जब भगवान भुवन भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आते हैं जी, तो भगवान के सूर्य के प्रकाश में भी वृद्धि हो जाती है, जो दिन छोटे होते हैं वो दिन बड़े होने लग जाते हैं। इसके अलावा जो भगवान भुवन भास्कर के प्रकाश में है उसमें भी वृद्धि होती है, और काफी सारी जो अपने सर्दी है वो भी दूर होती चली जाती है, अर्थात दिन बड़े होने लग जाते हैं और रात छोटी होने लग जाती हैं। जी बिल्कुल, सूर्य का उत्तरायण आना दिन को बड़ा करना और सूर्य की तेजी को वापस बढ़ाने के लिए होता है। बिल्कुल। लेकिन कुसुम जी, जैसा कि अभी हमें उन्होंने बताया कि सूर्य का विश्व पर तो ये प्रभाव हो गया, लेकिन जो हमारा देश है वो बड़ा विविधता वाला देश है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ देश है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं हैं, क्या क्या परंपराएं प्रचलित हैं मकर संक्रांति को लेकर? मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है, पर उसको मनाने का जो स्वरूप है अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राज्यों में वो अलग अलग, हमारा देश जो है विविधता का देश है, तो उसमें सभी मांगलिक कार्यों को अपने अपने जैसे राज्यों में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एक खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, खिचड़ी का दान किया जाता है और तिल और गुड़ इसका दान किया जाता है, गर्म वस्त्र, क्योंकि सर्दियां होती है मकर संक्रांति पे, तो गर्म वस्त्रों का भी दान पुण्य है, कंबल है, ये सब इस रूप में किया जाता है। और राजस्थान में और गुजरात में विशेष तौर से पतंग पर्व को माना जाता है, क्योंकि बड़े हर्षोल्लास से बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी बड़े हर्षोल्लास से पतंग उड़ाते हैं और इसका बहुत ज्यादा एक मनोरंजन बच्चों के साथ सब मिलकर के सब उम्र के लोग करते हैं। जी बिल्कुल। और इस तरह से अब देखा जाए तो साउथ में पोंगल के रूप में इसे मनाया, हाँ, इस पर्व को मकर संक्रांति पर्व को पोंगल के रूप में मनाया जाता है, वो चावल और मूंग की दाल वो मिलाकर के एक मीठा व्यंजन बनाते हैं, उसे पोंगल ही कहा जाता है और वो इस दिन खाया जाता है और ये बांटा जाता है गागा। जी बिल्कुल। और पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल, जिस पर गिद्धा वगैरह, गिद्धा भांगड़ा ढोल नगाड़े ताशे, और पंजाबियों का तो सबसे ज्यादा भांगड़ा और गिद्धा होता है जी, हमारी स्त्रियों का तो बड़ा भांगड़ा वगैरह करते हैं, और लोहड़ी में तिल और गुड़ खाए जाते हैं जी, और तिल और चिवड़ा उसको वितरण किया जाता है सबके साथ मिलके जी, और बड़े उसी से लोहड़ी के रूप में जो है कुल मिलाकर के प्रेम से प्यार से, चाहे उसे लोहड़ी का नाम दे दें, चाहे मकर संक्रांति का नाम दे दें, चाहे हम इसे पोंगल का नाम दे दें, खुशियां बांटना और खुशियां बढ़ाना यही इस त्योहार का मुझे लगता है उद्देश्य है। विजया जी, घर परिवार का कैसा माहौल हो जाता है, क्या रहता है, क्या तैयारियां रहती है मकर संक्रांति के लिए? सबसे ज्यादा तो क्रेज रहता है पतंग उड़ाने का जी, क्योंकि महीने भर पहले से, और जयपुर में तो बहुत गुलाबी नगर तो इसके लिए विख्यात है, पतंग उत्सव मनाया जाता है पूरे विश्व में जी। तो पतंग के माध्यम से जीवन का एक संदेश भी मिलता है, बिल्कुल,
कि पतंग जब आसमान में खुले आसमान में उड़ रही है तो उसके साथ डोर बंधी हुई है, और ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को परिलक्षित करता है कि जब तक आप अनुशासन में हैं, संस्कारों के साथ जुड़े हैं, अपनी जड़ों से, अपने मर्यादाओं से जुड़े हैं, अपने परिवार से जुड़े हैं, आप कितने उन्मुक्त गगन में उड़िए, लेकिन आपका जो आपकी जो सफलता है, आपकी जो पहचान है, वो उस डोरी के साथ जुड़े रहने में ही है। बिल्कुल। तो ये एक पर्व न केवल एक संदेश दे रहा है बल्कि जीवन को जीवन से जोड़ रहा है, पूरे विश्व को हमारी संस्कृति का परिचय ये दे रहा है। जी बिल्कुल, पतंग और डोर का जो अनूठा संबंध है वो न केवल अनुशासन की प्रेरणा देता है बल्कि साथ बनाए रखने का भी एक संदेश हमें ज़रूर देता है। आचार्य जी, जैसा कि अभी हमारे मेहमानों ने हमें बताया कि दान पुण्य का महत्व बहुत बताया गया है इस त्यौहार पर विशेषकर, ऐसा क्यों? देखिए, दान वैसे तो सर्वश्रेष्ठ कर्म माना जाता है। जी, दान के लिए ये भी कहा जाता है यज्ञो वै दानम। जी, या दानम वही यज्ञ। जी, अर्थार्थ आप चाहे दान कर लो चाहे आप यज्ञ कर लो, आपको समान फल प्राप्ति होती है। संक्रांति पर्व पर दान करने से उसका फल हमें कई गुणा प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। संक्रांति पर दान करने से उसका फल हमको कई गुणा प्राप्त होता है, और दान हमेशा सम्यक रूप से दिया जाता है। दान की अर्थात हम वैसे भी दान करते हैं तो दान का फल हमें बहुत अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम संक्रांति के दिन दान पुण्य करते हैं तो उसका फल हमें कई गुणा प्राप्त होकर के मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है दानम वै यज्ञ। दानम वै यज्ञ अर्थात दान का, चाहे आप दान कर लो चाहे आप यज्ञ कर लो, समान है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी संस्कृति में तो कहा भी गया कि जब हम एक हाथ से दान दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले कि दान दिया गया है। हाँ। और दान देने से विशेषकर संक्रांति पर अगर दान दिया जाए तो वो आपके पुण्य को बहुत बढ़ा सकता है। क्या क्या चीजें दान दी जाती हैं इस समय पर, कुसुम जी? मकर संक्रांति पर जैसे कि सर्दी में आती है जी, तो गर्म वस्त्रों का दान जी, तिल का दान, गुड़ का दान, तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं उसका दान दिया जाता है, और खिचड़ी और चावल को मिक्स करके और वो जो खिचड़ी बनती है उसका विशेष तौर से दान दिया जाता है, और खिचड़ी खाई भी जाती है। बिल्कुल। और खिचड़ी खाने के बारे में एक पौराणिक कथा ये है कि जब बाबा गोरखनाथ योगी के समय की बात है कि जब मुगलों का खिलजी ने आक्रमण कर दिया था तो बाबा गोरखनाथ वगैरह वो लोग उस आक्रमण में युद्ध में इतने व्यस्त थे तो उनको खाना बनाने का भी समय नहीं मिल पाता था। तो बाबा गोरखनाथ जी ने अपने मन में एक विचार किया कि सब चीजों को मिक्स करके, उनको मिला करके और वो मिश्रित एक व्यंजन बनाया जाए, और उसको उन्होंने उसका खिचड़ी का नाम दिया। अच्छा। इसमें दाल, चावल और सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के मसाले वो मिला के जो व्यंजन तैयार हुआ उसको बाबा गोरखनाथ जी ने खिचड़ी का नाम दिया। बिल्कुल। और गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ के मंदिर में जी, आज भी जो है खिचड़ी का ही भोग जो है वो बाबा गोरखनाथ जी को और भगवान शिव को जी बिल्कुल उसका प्रसाद जो है उसके रूप में भोग लगाया जाता है, और सभी ये सब मिलकर के ही खिचड़ी खाते हैं जी। तो गोरखनाथ जी की जो परंपरा जो शुरू करी गई उनके द्वारा कि खिचड़ी का भोग लगाया ताकि सभी को भोजन मिल सके, और उसके कारण ये जो है खिचड़ी से भी इसका इस त्योहार का जुड़ाव हुआ, खिचड़ी से जुड़ाव। बिल्कुल। विजया जी, क्योंकि आप एक साहित्यकार हैं, एक कवियत्री हैं, एक साहित्यकार का जो मन है वो हर त्योहार पर कुछ अलग कहता है, कभी कोई कहानी या कुछ कविता की पंक्तियां गुनगुनाने लगता है, क्या आपका भी मन ऐसा कुछ कहता है? बिल्कुल, छोटी थी बहुत तो एक कविता बहुत पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिलती थी, मौसम आज पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है जी, इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है। बिल्कुल। और एक छोटी सी कहानी मैंने कुछ दिन पहले अभी लिखी पतंग और डोर को लेकर के ही, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है ये, एक शिक्षण की क्योंकि शिक्षिका हूँ तो उस दृष्टि से भी देखती हूँ। तो एक बच्चा अपने पिता के साथ छत पर पतंग उड़ाता है और
उड़ाते उड़ाते पिता को देख रहा है कि कभी वो उसको ढील दे रहे हैं और कभी खींच रहे हैं बार बार, जैसे ही पतंग बाकी पतंगों से घिर जाती है उसे खींच लेते हैं एकदम से बचाने के लिए, और कभी जब खाली होता है आसमान तो उसको ढील देते हैं। तो पिता से जो है पुत्र प्रश्न पूछता है ये बात कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार कभी ढील देते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी खींच लेते हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए ना, इस डोरी को हटा दीजिए इससे। तो पिता सोचते हैं कि ये ऐसे तो समझेगा नहीं, तो इसको एक बार करके, क्योंकि बच्चों को जिस काम के लिए मना किया जाए उसका ज्यादा करते हैं, तो उन्होंने उस डोर को पतंग से तोड़ दिया और थोड़ी देर तो वो आसमान में लहराती रही, उसके बाद वो नीचे लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर गई। बच्चा बड़ा उदास हुआ, उदास होकर पूछता है पापा मैंने तो सोचा था कि ये उड़ेगी और ऊपर, ये तो नीचे गिर गई है। तो पिताजी ने फिर उसे समझाया कि ये जीवन की सच्चाई है और वास्तव में पतंग हमें यही सीख देती है। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें ये मैसेज, उन्हें ये संदेश भी इसके साथ माता पिता को देना चाहिए कि अपनी जड़ों से, अपने संस्कारों से, अनुशासनबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ेंगे जीवन में, बड़ों की बात मान करके, गुरुजन की बात मान करके, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। ये इस कहानी के माध्यम से सीख देने की कोशिश की। और ऐसा साहित्य, मैं मानती हूँ कि साहित्य जो है जीवन को दिशा देता है, संदेश देता है। साहित्य वही है जो लोगों में विचार क्रांति पैदा करे, और इन कविता और कहानियों के माध्यम से ऐसी कोशिश करती हूँ। ये कविता और कहानियाँ हमें नित्य प्रति प्रेरणा तो देती ही हैं और साथ ही साथ हमें मोटिवेट करने का, प्रेरणा देने का कार्य करते हैं कि हम किस प्रकार अपना जीवन जिए और किस तरह से हम इन त्योहारों को एक्सेप्ट करें। पंडित जी, आचार्य जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि जैसा कि एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि सूर्य का पुत्र से नहीं बनती थी और जब वो उसकी राशि में प्रवेश करते हैं तो हम मकर संक्रांति का ये त्यौहार मनाते हैं। आप चूंकि एक यजुर्वेदाचार्य भी हैं, कुछ पुराणों में क्या, वेदों में क्या उल्लेख है मकर संक्रांति को लेकर? मकर संक्रांति को लेकर के उल्लेख यह दिया हुआ है कि भगवान भुवन भास्कर अपनी धनु राशि से जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस काल को मकर संक्रांति कहा जाता जी, है। वो आपने बताया हमें, मकर राशि का स्वामी है शनि जी, और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो आपस में क्या है कि थोड़ा बहुत विरोधाभास होता है। सूर्य शनि से किसी प्रकार का वैर नहीं है, लेकिन शनि देवता सूर्य को अपना वैरी मानते हैं, और इसी दिन दान इसलिए किया जाता है कि भगवान सूर्य को थोड़ा सा पुष्ट किया जाए कि वो उनके घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस वजह से दान किया जाता है। और दान के लिए स्पष्ट कहा गया है, इस मास में दान के लिए स्पष्ट कहा गया है, माघ मासे महादेव यो दास्यति घृत कम्बलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति, कि जो इस महीने में घृत और कंबल का इत्यादि का वस्तुओं का दान करता है वो पृथ्वी लोक के सारे सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा महत्व बताया गया है दान का इसके माध्यम से, हमारे पुराणों के माध्यम से। और हमारी भारतीय संस्कृति तो वैसे भी पुराणों और वेदों पर ही आधारित संस्कृति है, उन्हीं को आज भी हम अपनी परंपरा में मानते हैं। कुसुम जी, तिल और गुड़ का बड़ा विशेष महत्व है मकर संक्रांति के साथ, एक तरह से जुड़ाव ही है कि मकर संक्रांति दिमाग में आते ही हमें सबसे पहले जो खाने की चीज याद आती है वो है तिल और गुड़, क्यों? मकर संक्रांति क्योंकि उस समय समय जो होता है सर्दी का होता है, और सर्दी में ही गुड़ और तिल जो कि काफी गर्म तासीर देते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक हैं, बलवर्धक हैं, और इसीलिए और तिल और गुड़ के साथ साथ जो गुड़ की जो मिठास है इन लड्डुओं में इतनी होती है कि सभी वर्ग जो है, ये बच्चे तो विशेष तौर से पसंद करते हैं तिल और गुड़ के लड्डू। हम जब अपने बचपन में थे और कई दिन पहले ही हम ये इंतजार करते थे कि कब ये मकर संक्रांति आएगी और माँ तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर हम लोगों को खिलाएगी, और हम लोग भोग लगाने से पहले कोशिश करते थे कि हम इसको निकाल के इसको हम खा लें, बाल मन चंचल होता है तो इसलिए था। तो इसका जीवन में मिठास बनी रहती है गुड़ की, तिल गर्म होता है, तो इसीलिए मकर संक्रांति पे तिल और गुड़ के दान का भी, तिलों का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सूर्यनारायण को भी पितरों के लिए जो तिल का दान होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो काले तिल का दान हमारे पितरों के लिए किया जाता है, तो जैसे तांबे के एक लोटे में तिल और गुड़ डाल के जो
हमारे पितरों के निमित्त जो अर्घ दिया जाता है वो तिल का दिया जाता है, काले तिल का, और सूर्य नारायण को तो काले तिल का अर्घ दिया ही जाता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि काले तिल का दान का विशेष महत्व, ये सब तो जो हमारे पक्ष हो गए, एक धार्मिक और पौराणिक पक्ष हो गए। विजया जी, आप हमें बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या मकर संक्रांति मनाने का या पतंग उड़ाने का, धूप में रहने का कोई वैज्ञानिक पक्ष भी है? बिल्कुल, हम बच्चों को भी ये बात बताते हैं कि भारतीय संस्कृति की में जितने भी रीति रिवाज है उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैज्ञानिकता छिपी हुई है। अब सूर्य नमस्कार बच्चे वैसे नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य नमस्कार हमारी संस्कृति में इसलिए अनिवार्य बताया गया है कि उससे सूर्य की रोशनी हमें मिलती है, और बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक है वो, रोग प्रतिरोधक है, और बहुत मतलब कहते हैं ना कि अगर सूर्य बहुत दिन तक दिखाई ना दे तो बहुत सारी बीमारियों का जन्म होने लगता है। तो ये सूर्य का प्रकाश जो है वो वैज्ञानिक रूप से भी हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, और किसी भी बहाने से अगर हम थोड़ी देर छत पर रहते हैं, सूर्य के संपर्क में रहते हैं, तो विटामिन डी बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। और आजकल सूर्य का संपर्क, सूर्य की रोशनी में रहना, प्रकाश में रहना, धूप में रहना बच्चों में भी कम होता जा रहा है। बिल्कुल, पहले बच्चे मैदानों में घंटों खेला करते थे, अब उसका एक छोटा सा विकल्प हो गया है कि चलो 2-5-10 दिन मकर संक्रांति के बहाने ही सही पतंग उड़ाने के लिए छत पर जाएंगे। और बिल्कुल इस बहाने, क्योंकि हम अपना विटामिन डी तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ जो व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं छत पर जाकर के, चाहे वो दाल की पकौड़ी के रूप में हो, चाहे तिल और गजक या गुड़ के लड्डू, इन सब के जो लड्डू बन रहे हैं इसके रूप में हो, इनका तो आनंद की बात ही क्या है। आचार्य जी, इस तरह का आनंद क्या आप भी उठाते हैं अपने दैनिक जीवन में, क्या रहता है? दैनिक जीवन में देखिए, हम पूजा वगैरह इत्यादि वगैरह करके, दान वगैरह इत्यादि वगैरह करके, और छत पे जरूर जाते हैं, लेकिन पतंग वगैरह इसलिए नहीं उड़ाते कि किसी पक्षी को मांझा वगैरह लग जाए, उसको किसी भी प्रकार की हानि हो जाए तो वो हिंसा हो जाती है। बिल्कुल, तो हिंसा की वजह से हम पतंगबाजी इत्यादि तो नहीं करते। बाकी ये है कि हम सूर्य भगवान के वहाँ छत पर जाते हैं और पतंग वगैरह देखते भी हैं जी, और लेकिन पतंगबाजी करते नहीं है जी। बिल्कुल, पतंगबाजी नहीं करते। और जो किन किन व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं आप? जैसे तिल वगैरह की, गजक वगैरह है, तिल के लड्डू वगैरह हैं, और तिल का एक कुट करके एक चूरमा बनता है, उसमें गुड़ वगैरह मिला करके वो भी बहुत अच्छे तरीके से बना करके उसको खाया जाता है जी। जी बिल्कुल, तिल की जो बात चल रही है, मुझे लगता है कि सभी आप सभी भी मकर संक्रांति पर ज़रूर लुत्फ उठाइए तिल के व्यंजनों का, गुड़ के व्यंजनों का, और पकौड़े के व्यंजनों का। अभी जो बात एक आचार्य जी ने बहुत विशेष बात कही कि पक्षी कटने पर हिंसा होती है, विजया जी आपसे मेरा प्रश्न यहाँ पर रहेगा, क्या सावधानियाँ ज़रूरी है या जुड़ी हुई हैं मकर संक्रांति के साथ? देखिए, त्यौहार और उत्सव का मतलब होता है आनंद बांटना, खुशियाँ बांटना, और अगर हमारे उस आनंद से, हमारे उस एंजॉयमेंट से किसी परिवार को, चाहे वो पक्षी परिवार हो, संक्षेप में आप बताएं कि क्या सावधानियां जरूरी हैं, तो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। कई दुर्घटनाएं मांझी की वजह से भी हो जाती हैं, और पक्षियों को तो विशेष नुकसान होता है इस दिन, तो चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें। बच्चों को ये सीख दें, पतंग उड़ाएं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे और विकल्प भी बाजार में मौजूद हैं, उन विकल्पों का प्रयोग करें ताकि किसी को हानि ना हो, ना स्वयं को, ना पक्षियों को हानि हो। आचार्य जी, क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी जनों को नमस्सभाये, सर्वेषां जनानां। जी बिल्कुल, सभी जन सुखी हों, यही संदेश हमारे आचार्य जी का। विजया जी, इन शॉर्ट क्या सुझाव या क्या संदेश है आपका? अपने बच्चों को कम से कम स्वास्थ्यवर्धक चीजों को खाने के लिए प्रेरित करें, जैसे तिल और गुड़ है। इसके अलावा उनको प्रकृति से जोड़ें जी, सूर्य का की रोशनी उन्हें लेने के लिए प्रेरित करें जी। हमारे शिक्षा विभाग में तो छुट्टियां भी आती हैं 5-6 दिन, तो सर्दियों में उन्हें इस प्रकार की जो एक्टिविटीज स्कूल से भी मिलती हैं वो भी ऐसी दी जानी चाहिए ताकि बच्चे उसके संपर्क में ज्यादातर रह सके, प्रकृति से जुड़ाव हो, सभी जन सुखी हो। साथ ही साथ हम स्वयं की रक्षा तो करें ही करें, अपने साथ अपने पक्षियों का भी हम ध्यान रखें कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो मकर संक्रांति का त्यौहार आप सभी के लिए बहुत शुभ हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर परिवार में हर त्यौहार का आनंद
आनंद उठाते रहिए। आप तीनों हमारे साथ आए, हमारे साथ इतनी सारी महत्वपूर्ण चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।